भारत ने उठा लिया सबसे बड़े मिशन का बेड़ा, भारत ने ले लिया सदी का सबसे बड़ा फैसला, चीन के कलेजे में लग गई आग, भारत की इस नई महाशक्ति के खौफ में ड्रैगन, ये कौन सी महाआफत बनाने लगा भारत, देखकर निकली अमेरिका से लेकर चीन तक की चीखें, फटी की फटी रह गई दुनिया की आंखें, भारत नहीं भूलेगा अमेरिका का धोखा, सारा हिसाब करेगा बराबर। दोस्त, फ्रांस ने थाम लिया भारत का हाथ, दुनिया का सबसे घातक हथियार बनाएगा भारत। दोस्तों, बड़े खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है भारत। भारतीय सेना जो आज दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, उसके साथ भारत ऐसी महाशक्ति जोड़ने जा रहा है जिसकी धमक ने अमेरिका से लेकर चीन तक का जिगरा हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, एक तरफ चीन भारत के इस फैसले से मरा जा रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका की छाती फटी जा रही है, पाकिस्तान की तो पूछिए ही मत। भारत का ये फैसला ऐसा वैसा फैसला नहीं, बल्कि सदी का सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है। इस फैसले में भारत की तकदीर बदलने की ताकत है। समझ लीजिए कि यह फैसला भारत को महाशक्ति का ताज दिलाने वाला है। फ्रांस इस समय भारत का बड़ा रक्षा और रणनीतिक साझेदार है। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर फ्रांस भारत को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति तैयार करने में लगा हुआ है। अब एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसके बाद चीन थोड़ा परेशान हो सकता है। इस खबर ने चीन के कलेजे में आग लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ भारत रक्षा क्षेत्र में महाशक्ति है, साथ ही वैश्विक कूटनीति में भी भारत का कोई शनि नहीं है। ऐसे में जब भारत दोनों में नंबर वन है, तो जब दोनों की ताकतें मिली तो ऐसा महाविस्फोट हुआ कि विरोधियों के कान फटे जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, आपको बताएंगे अंडर वाटर फाइटर जेट्स किस बला का नाम है, कैसे भारत के इस नए ऐलान ने सबको हक्का बक्का कर दिया, आखिर इस फैसले को भारत की किस्मत बदल देने वाला फैसला क्यों कहा जा रहा है, आखिर इसे सदी का सबसे बड़ा फैसला क्यों कहा जा रहा है, कैसे भारत ने इस फैसले से अमेरिका को उसकी औकात दिखाई है, और उसके साथ ही जानेंगे कि भारत अब कैसे अजय बनने जा रहा है। भारतीय नौसेना समुद्र के अंदर अपनी लड़ाकू क्षमता को और भी ज्यादा धारदार बनाने के लिए बेहद महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के सहारे आगे बढ़ना चाहती है, और समुद्र में अपनी ताकत का लोहा दुनिया को मनवाने के लिए कम से कम 6 परमाणु ईंधन से संचालित हमलावर पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करना चाह रही है। हालांकि इंडियन नेवी की ये महत्वाकांक्षा पिछले 4 सालों से भारत सरकार के पास लटकी पड़ी है, क्योंकि रूसी अकुला सीरीज की परमाणु संचालित पनडुब्बी का लीज 2021 में ही समाप्त हो चुका है, इसलिए भारतीय नौसेना के बेड़े में कोई SSN नहीं बचा। रिपोर्ट ये है कि भारत 6 SSN पनडुब्बियों के निर्माण की परियोजना पर सहयोग के लिए फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है। चीन की पनडुब्बी बेड़े में 70 से ज्यादा पनडुब्बियां शामिल हैं, जिनमें 7 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां बनी हैं। SSBN 12 परमाणु हमला पनडुब्बी यानी कि SSM और 50 से ज्यादा डीजल हमलावर पनडुब्बी यानी कि SSK शामिल है। अब इसीलिए चीन से भारत को खतरा बढ़ चुका है, लेकिन चिंता मत कीजिए, अभी हम आपको भारत की इस SSN के बारे में बताने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद आपकी शंका और चीन का भूत दोनों भाग जाएंगे। दोस्तों, चीन की नौसेना जिसे PLAN कहा जाता है, उसकी बढ़ती शक्ति से मुकाबला करने के लिए भारत के पास परमाणु ऊर्जा से ऑपरेट होने वाली पनडुब्बियों का होना काफी जरूरी है, और इसी के लिए भारत में 65,000 टन की स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IS-2 परियोजना को रोककर उसकी जगह पर स्वदेशी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी कि SSN बनाने का फैसला लिया, जो पानी के अंदर मार करने वाले लड़ाकू विमान है। अब आप कहेंगे कि परमाणु पनडुब्बी क्या है, क्यों इसे समुद्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी कहा जा रहा है, और क्यों इसके आते ही भारत की किस्मत बदल जाएगी। जब वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाजित किया, तब उन्हें यह महसूस हुआ कि इसका बम बनाने के अलावा भी किसी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। ये परमाणु रिएक्टर पिछले 70 वर्षों से दुनिया भर के घरों और उद्योगों को बिजली दे रहा है। परमाणु पनडुब्बियां भी इस समान तकनीक में काम करती हैं। प्रत्येक परमाणु पनडुब्बी में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जिसमें ईंधन के रूप में अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का उपयोग करते हुए बिजली पैदा की जाती है। इससे पूरी पनडुब्बी को पावर की सप्लाई की जाती है। कोई भी पनडुब्बी सबसे अधिक खतरे में तब होती है जब उसे पानी की गहराई से निकालकर सतह पर आना होता है। ऐसे में दुश्मन देश के पनडुब्बी खोजी विमान या युद्धपोत उन्हें आसानी से देख सकते हैं। आपको बता दें कि भारत का ये SSN गेम चेंजर है। ये गुप्त और असीमित सहन शक्ति वाले शक्तिशाली मंच है। वे अनिश्चित काल तक पानी के भीतर रह सकते हैं और बंदरगाह से दूर लंबे समय तक और तेज गति से काम कर सकते हैं। यह लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस समुद्री युद्ध का आकार बदल सकते हैं
SSN में धीमी और छोटी टांगों वाली डीजल पनडुब्बी की तुलना में काफी ज्यादा क्षेत्र को कवर करने की क्षमता होती है और इसके पास काफी रफ्तार के साथ साथ परिस्थितियों को बर्दाश्त करने की क्षमता भी काफी होती है। ये डीजल इंजन बैटरी से चलने वाली पारंपरिक नावों की तुलना में कई दिनों तक और कई महीनों तक पानी में रखी जा सकती हैं। एक बार जब ये गहरे पानी में चली जाती हैं, तो SSN का पता लगाना न केवल मुश्किल होता है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर ज्यादातर अन्य पनडुब्बियां या युद्ध पोतों से आगे निकलने की क्षमता भी इसके पास मौजूद है, जो क्षमता डीजल पनडुब्बियों में नहीं होती। अभी SSN को पूरा होने में समय लगेगा, इसलिए भारत ने कुछ काम चलाओ व्यवस्था की है। भारत ने साल 2019 में रूस से एक और परमाणु संचालित अकुला क्लास हमले की पनडुब्बी के लिए 3 अरब अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच लीज की शुरुआत 2026 की अपनी समय सीमा से चूक जाने की संभावना है। स्वदेशी SSN के लिए यदि सरकार की मंजूरी कल आएगी तो भी पहली खेप के युद्ध योग्य बनने में 10 से 15 साल और लगेंगे, तो वास्तविक रूप से कहें तो पहला घरेलू SSN 2040 तक भारतीय नौसेना में प्रवेश करेगा। भारतीय नौसेना को 6 SSN के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और ये काम शुरू करने के लिए सुरक्षा पर कैबिनेट समिति से मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण में सबसे बड़ी परेशानी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलने की है। पिछले महीने जुलाई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि ब्राक ने 11 प्रकार के नियंत्रण प्रणालियों और उनके मल्टी फंक्शन कंसोल विकसित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड यानी कि ECIL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे SSN पर काम में मदद मिलेगी। भारत के पास वर्तमान में 2 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां SSBN हैं। हालांकि भारत के परमाणु डेटरेंट फोर्स के एक उपकरण के रूप में उन्हें मिशनों के लिए युद्ध पर तैनात नहीं किया जा सकता। यहीं पर SSN फाइटर जेट नौसेनाओं की मदद करने और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए काम में आते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार लक्ष्यों का पीछा और उनका सफाया कर सकते हैं और उनकी लगभग अजेयता उन्हें देश के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली हथियार बनाती है। यह इस बात से स्पष्ट है कि पिछले दशक में चीन के साथ कई सीमा गतिरोध में से एक के दौरान भारत ने हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में अपनी एकमात्र रूसी अकुला श्रेणी की पनडुब्बी, जिसे INS चक्र नाम दिया गया था, तैनात की गई थी और इसकी वजह से चीन सांस भी ना ले सका। अब आइए आपको बता दें कि कैसे इस फैसले से भारत ने अमेरिका को जवाब दिया। तो सुनिए, पिछले कुछ सालों से अमेरिका के एक डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया था कि भारत हमसे वो तकनीक मांग रहा है जिसे हमने अपने सबसे करीबी सहयोगी ब्रिटेन को भी नहीं दिया। भारत ने इसके लिए अमेरिका से कहा था, लेकिन अमेरिका बार बार टेक्नोलॉजी देने से आनाकानी कर रहा था। अमेरिका का ये रुख 1960 के दशक की याद दिलाता है, जब अमेरिका और ब्रिटेन के मना किए जाने पर भारत ने पनडुब्बी को प्राप्त करने के लिए तत्कालीन सोवियत संघ की ओर रुख किया था और सफल रहा। वैसे अब भारत को मदद करने दूसरे सबसे बड़े दोस्त फ्रांस आगे आ चुका है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।